नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड केस में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को सीबीआई कोर्ट ने एक मामले में बरी कर दिया है। सीबीआई कोर्ट ने मासूम बच्चे का अपहरण और हत्या से जुड़े मामले में सुरेंद्र कोहली को बरी किया है। हालांकि सुरेंद्र को अभी जेल में रहना होगा। 6 वर्षीय मासूम बच्चा नोएडा के निठारी गांव से साल 2006 में लापता हो गया था। इसके बाद उसके परिजनों ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में इसके अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं इससे पहले निठारी कांड के 13वें मामले में सीबीआई कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को दोष मुक्त कर दिया था। इसके पहले 12 मामलों में कोहली को फांसी की सजा हो चुकी। सुरेंद्र कोहली ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि उसे पहली बार सच्चा न्याय मिला है। इस तरह अन्य मामलों में भी वो निर्दोष था। इस मामले में कोहली ने स्वयं अपने मुकदमे की पैरवी करते हुए कोर्ट में बहस की थी। निठारी गांव निवासी कई लोगों के बच्चे वर्ष 2004 से लापता हो रहे थे। गायब होने वाले बच्चों में अधिकतर लड़कियां थी। ये युवती भी निठारी की पानी की टंकी के पास से लापता हुई थी। 2006 में सेक्टर 19 निवासी युवती के पिता ने D5 सेक्टर 31 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर पर बेटी के अपहरण का शक जाहिर करते हुए पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने वादी को ही बेटी से देह व्यापार कराने का आरोप लगाते हुए भगा दिया था। इसके बाद पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद उसी साल 15 दिसंबर को अधिकारियों ने मोनिंदर व नौकर सुरेंद्र कोहली से पूछताछ की, लेकिन रात में ही दबाव के कारण छोड़ दिया। हाईकोर्ट में पुलिस द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को पेश किया गया। इसमें मोनिंदर व सुरेंद्र को क्लीन चिट देने का प्रयास करते हुए वादी को ही आरोपी बनाने का प्रयास हुआ। हाईकोर्ट ने एक बार फिर पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और पुलिस को प्रगति आख्या देने के लिए कहा। इसी बीच लापता हुई युवती का मोबाइल चालू हो गया। 29 दिसंबर को पुलिस मोबाइल व सुरेंद्र कोहली तक पहुंच गई।